गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धौ पटुकत्रयं भदेवं गिरिकर्मण्डलं वीरानश्चतुष्टष्टकं वीरावली पंचकं श्रीमन् मान्य मंत्रासहितं वंदे गुरुर्मंडलम। मैं गुरुमंडल को नमस्कार करता हूँ। परम पुण्य श्री गुरुदेव स्वामी निखिलेश स्वामी जी को उनके परिवार के साथ नमस्कार करता हूँ। आज हम इस शांता दुर्गा क्षेत्र में गुरु जन्म दिवस मना रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होगा कि मैं हैदराबाद से छुटकर गोवा में आकर शिविर कर रहा हूँ, वो भी शांता दुर्गा, कभी नहीं अपने सारे राष्ट्र छोड़कर यहाँ आया हूँ। उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। यहाँ से हुबली 125 किलोमीटर है शायद, तो 1-1.5 महीने के पीछे हमारे एक शिष्य है, उनका नाम है डॉक्टर विनायक महेंद्रकर, बहुत दिनों से मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं अपना निखिल चेतना केंद्र आश्रम के लिए मैं हुबली में आपको ज़मीन देना चाहता हूँ और हम वहाँ निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करेंगे। पहले तो टालता रहा 1-1.5 वर्ष से, उन्होंने भी कोई समस्याओं में रहे, टालता रहा। फिर भी क्या हुआ कि समस्या ऐसी आ गई कि रजिस्ट्रेशन करना ही है। 1.5 महीने के पहले मैं हुबली आकर उस ज़मीन को देखकर निखिल चेतना केंद्र नाम के नाम से वो और उनकी पत्नी ने रजिस्ट्री कर दी, निखिल चेतना केंद्र की स्थापना कर दी। अब मैं बोला कि इतनी दूर से हैदराबाद से ये छोटे से हुबली जैसे प्लेस में निखिल चेतना केंद्र को ज़मीन मिलती है, इसके पीछे गुरुजी का क्या कारण होगा, गुरुजी की इच्छा क्या होगी कि यहाँ आकर मुझे निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद के लिए ज़मीन देकर गुरुजी करवा रहे। तो हम जब हुबली से वो जो जहाँ ज़मीन दी गई वहाँ से आ रहे थे, वो भी बहुत हाईवे पे कलकत्ता जाने वाले रोड पर ही वो ज़मीन है, तो उसने उसका डेवलपमेंट बताया और गुरुजी कहा मेरी बहुत इच्छा है कि वहाँ करवाना है। तो हम बात करके उनके कार में आ रहे थे, एक रेलवे ट्रैक है हुबली से, उसके बाद अपनी ज़मीन आती है, वहाँ से बहुत सारे मठ और धर्मशालाएँ भी है, बहुत बड़े बड़े संतों के हैं, वहीं इसने ज़मीन ली। तो आते आते उसने कहा गुरुजी एक बात बताता हूँ आपको, वह आपको तो पता ही होगा। मैं बोला क्या? नहीं एक बात बताता हूँ। बोलो क्या है? तो उसने कहा गुरुजी यहाँ विशुद्धानंद जी का आश्रम है। मैं पहले तो कहा विशुद्धानंद जी का आश्रम यहाँ क्या है? बस गुरुजी हम जो रास्ते में आ रहे हैं वहाँ नंदनवन नाम का विशुद्धानंद जी का शिष्य एक अघोरी था जो कर्नाटक, जो विशुद्धानंद जी की बहुत सेवा करता था, और विशुद्धानंद जी यहाँ आके इस नंदनवन में स्थापना करके गए। वहाँ उस नंदनवन से अब जो ज़मीन लिया हूँ वो हार्डली आधा ही किलोमीटर। अगर विशुद्धानंद जी हुबली में आते और निखिल चेतना केंद्र यहाँ स्थापन होते, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मुझे तब विचार में पड़ गया कि यहाँ स्थापन करने में कोई ना कोई पीछे गुरु जी का कोई इच्छा होगी। फिर मैंने उसने कहा कि ये नंदनवन के बारे में क्या है, तो कहा गुरुजी ये यहाँ जो गुरु विशुद्धानंद जी का शिष्य था जो अघोरी था, और उसने जो ये वन बांधा था यहाँ, आज से कम एक 20-22 वर्ष तक हर कोई रोज़ उसमें जाता नहीं था। बाद में बहुत लोगों के कहने के बाद हर पूर्णिमा को अमावस्या को केवल 100 लोगों को ही छोड़ते थे अंदर। वो सूर्य सिद्धांत का गुरु से दीक्षा लेकर सूर्य सिद्धांत प्रणेता था, वहाँ नंदनवन आश्रम है, वहाँ 100 लोगों को ही छोड़ती थे, जो साधक होते थे वही लोगों को। मैं बोला फिर आप क्या गुरु जी एक कमाल की बात बोलूँ क्या? बोलो क्या? आप इससे पहले 1 साल के पहले आए थे? हाँ आया था ना, तू ही बोला आया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखें गुरु जी आप जैसा ही आके अब हम इस रास्ते में ज़मीन लगाने के बजाय आज वहाँ 600 लोगों को छोड़ते हैं रोज़। बोला ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, वो वहाँ बोले होंगे उन्हें छोड़ते होंगे। नहीं गुरु जी अब आप दूसरी बार आए तो ज़रूर सभी लोगों को फ्री कर देंगे शायद, मैं समझता हूँ ऐसा उसका कहना था। तो 2 बार भी वहाँ से आते या जाते समय 2 बार भी उसने कहा गुरु जी नंदनवन जाएंगे विशुद्धानंद जी का आश्रम। मैं बोला अभी नहीं बाद में जाएंगे, ऐसा कोई रश हो गया और आज तक नहीं गया, शायद मैं अपने शिष्यों से जाऊँगा वहाँ या कुछ ऐसा हो सकता है तो हो सकता है। जब वो ज़मीन रजिस्टर हो गई मैं 2 मिनट तक कम से कम 5-6 घंटे बैठा रहा उसमें, उसको बहुत दिक्कतें आई, लोगों ने बहुत तकलीफ़ भी दी। फिर मैं वहाँ खड़े रह के उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवा के बाउंड्री लगा के मैं आया हूँ। तो मैं आपको जब वहाँ
बैठा था, पहले तो आपको सबको पता है मैंने अनाउंस कर दिया था कि इस बार का गुरु जन्म उत्सव मलेशिया में करूँगा, ऐसा मैंने सभी को बोल दिया था। लेकिन जैसा ही वो रजिस्ट्रेशन करके आया, शायद किसी महात्मा ने कहा होगा कि तू वहाँ उतनी दूर जा रहा है, पहले यहाँ का उद्धार कर ले फिर वहाँ का जाना। अब मैं प्रश्न में पड़ गया। फिर जैसा ही उसको कैंसिल करा, शार्दुल को, शिवा को पहले बोला, अरे तुम जाके वो गोवा में तो जाके आओ, पहली बार आज तक गुरुजी का शिविर गोवा में नहीं हुआ, हम गोवा में शिविर करेंगे, जाकर देख के आओ। फिर हमारे अष्टम मोड़ के राजू वाक्सर देशमुख, सबसे इसमें देशमुख और देशमुख की पत्नी का बहुत श्रेय रहा है जिन्होंने ये जगह चुनी, और हमारे मल्लीनाथ जी जो यहाँ रत्नागिरी के रहने वाले हैं, उन लोगों का बहुत श्रेय रहा जो लोग यहाँ आकर मेहनत करके, कड़ी मेहनत। मैंने उनको एक कहा, शिविर यहाँ करना है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा करो। अब पहले तो आपको पता है दत्तू भैया थे, उनके ऊपर सब श्रोता था, अब शिवा और शार्दुल के सिवा किसी नहीं। वैसे अभी अष्टमोड़ के राजू हो, मल्लीनाथ जी हो, देशमुख हो, वाक्सर हो, ये सब लोग बहुत इसके साथ सामने आए, उन्होंने आके देखा और निर्णय करा कि यहाँ करना है। फिर जब मैं इस शांता दुर्गा के माता के बारे में विचार किया कि फिर माता जी यहाँ शांता दुर्गा का मंदिर में ही शिविर क्यों करना, और कहीं भी कर सकते, बाहर कोई अच्छा फंक्शन हॉल लेके हम शांता दुर्गा माता में फंक्शन हॉल कर सकते थे। फिर पता चला कि यह शांता दुर्गा माता की पहली पूर्व पीढ़ी का कहाँ है कि ये देवी को भगवान परशुराम जी ने बंगाल से यहाँ लाया था। बंगाल जहाँ विशुद्धानंद जी का स्थान है, पश्चिम बंगाल से वो दुर्गा माता यहाँ आई, तो इसके पीछे कोई ना कोई और भी कारण होगा। अब ये सारे लिंक इधर उधर जाकर क्या करते हैं, क्या होते हैं कि उन साधना के उस महानुभव विशुद्धानंद से जुड़ते जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम शांता दुर्गा माता की मक्के मंदिर में ही साधना संपन्न करेंगे। अब मैं ढूंढने लगा कि हम शांता दुर्गा माता के मंदिर, पहले शांता दुर्गा का माता पूरे भारत में, गुजरात से लेकर हैदराबाद तक, सिर्फ शांता दुर्गा माता, शांता दुर्गा ऐसा नाम नहीं है, बहुत सारे दुर्गाओं का नाम है, कनक दुर्गा है, दुर्गा है, सब है, कहीं भी ऐसा नहीं रखा। फिर मैंने इसके ऊपर बहुत ग्रंथों को, पुस्तकों को देखा, तो पता चला कि शांता दुर्गा देवी परशुराम जी की आराध्य देवता थी। कहते हैं कि जब परशुराम जी कार्तिकवीर अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, सभी क्षत्रियों को गया था, और उनका अवतार जब समाप्त हुआ, रामचंद्र जी को उन्होंने सब क्षेत्र जो हमने जीता था वो कश्यप गोत्रीय ब्राह्मणों को यह भूमि दान दे दी, तो उनको लगा कि मैं कहाँ रहूँ। फिर उन्होंने अपने परशु से जो स्थान बनाया वो यह स्थान है, जिसे केरला, आप परशु का केरला को देख सकते हैं, पूर्ण परशु का आकार है, जहाँ गोकर्ण गोमंत कहते हैं इसे, इस स्थान को संस्कृत में, और यह स्थान परशुराम जी ने अपने लिए अपना स्थान बनाया। अपना स्थान बनाने के बाद उन्होंने अपने सारे देवताओं को जो वह पूजा करते थे उन देवताओं की स्थापना यहाँ करने लगे। अब यहाँ के शिव जी का नाम मंगेश देवता है, आप जानते हैं मंगेशकर की फैमिली, वो सब उसी देवता की आराध्या कहलाए जाते हैं, उनके कुल देवता के रूप में, या यहाँ से रहने वाले कहलाए जाते हैं। मंगेश ये महादेव जी हैं, और यहाँ शांता दुर्गा है, विजया दुर्गा है, और नरसिंह स्वामी, और बहुत सारे देवता है। हमने आते हुए आते समय देखा कि वेतालेश्वर का मंदिर है, तो मैंने अभी यहाँ के महाराज पुजारी से पूछा कि वेतालेश्वर का मंदिर यहाँ कैसे क्या आया, तो उन्होंने कहा कि यह वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। हुआ ये कि हम यहाँ आने से पहले मैंने पहले ये विचार किया कि शांता दुर्गा के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले विजय दुर्गा यहाँ स्थापना हुई वो कैसे। तो परशुराम जी जब अपना क्षेत्र की स्थापना किए, उस समय कृष्ण भगवान की उस द्वापर युग में पांडवों का जब कौरवों से युद्ध निश्चय हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, हे पांडव, आपसे एक बात कहता हूँ, आज भी परशुराम जी चिरंजीवी है और उनका क्षेत्र है, तुम उस क्षेत्र में जाकर परशुराम जी से प्रार्थना करो कि हम जो युद्ध कर रहे हैं उसमें हमें विजय प्राप्त हो।